हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अमेज़ॉन के किचनवेयर एंड हाउसहोल्ड गैजेट्स एंड प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके रोज़ काम में आने वाले होते हैं। इनका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा लो है। अगर आप इन्हें लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए, आप वहीं से जाके इन्हें खरीद सकते हैं। और ना ये आपको सारे 80-90% के डिस्काउंट पर भी मिल जाएंगे। उसके पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले ये प्लास्टिक में बना हुआ कॉर्नर सेल्फ देखिए, ये एक तरीके का मैग्नेटिक स्टिकर लगा हुआ सेल्फ है जिसे आप अपने किचन के या फिर बाथरूम की दीवार पर लगाने के बाद कॉर्नर पर इसमें काफ़ी सारी बॉटल्स को, यहाँ तक कि सोप वगैरह को, टूथपेस्ट, टूथब्रश को भी इसमें स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। और ये है कॉर्नर किचन रैक, ये 2 टीयर का बना हुआ मेटल में बहुत ही बढ़िया सा रैक है जिसे आप अपने किचन काउंटर के कोने में रखने के बाद इसमें बहुत सारी ऑयल, सॉसेस एंड रिफाइंड वगैरह की बॉटल्स को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सारी की सारी बॉटल स्टोर हो जाती हैं, आप चाहे तो इसमें बची हुई चीज़ों को स्पैचुला वगैरह भी टांग सकते हैं। इसके बाद ये है वाटर प्रूफ वाला स्टोरेज बैग। इस स्टोरेज बैग में आप बहुत सारी कम्बल, रजाई, स्वेटर, जैकेट इन सब को इसी में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत जगह होती है। लार्ज कैपेसिटी का बना हुआ ये वाटर प्रूफ बैग आप कहीं भी अगर जा रहे ट्रैवलिंग पे तो इसमें अपने सारे कपड़े ले जा सकते हैं। तो एक बैग आपके लिए बहुत अच्छी होगी क्योंकि इसमें बहुत जगह रहती है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर 5 लेयर्स का ड्रॉअर स्टोरेज दिखा रही हूँ। इस स्टोरेज में आप अपने सारी सामानों को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों को, ग्रॉसरी की चीज़ों को, बुक्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए छोटे बड़े, इन सब को। और ये ड्रॉअर आपके रखने के काम में बहुत आएगा, जैसे कि आप अपने बेड के साइड में, सोफ़ा के साइड में, कहीं भी इसे स्टोर करके मूव कर सकते हैं क्योंकि इसमें चारों तरफ व्हील लगी हुई है। इसके बाद मैं आपको इलास्टिक फिटेड वाले सोफ़ा कवर दिखा रही हूँ। तो सोफ़ा कवर में आपको डिज़ाइन, कलर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। ये सोफ़ा कवर इतने अच्छे होते हैं कि अगर आप इन्हें अपने सोफ़ा पे कवर करते हैं ना तो ये बिल्कुल फिट हो जाते हैं, चाहे जितना कोई बैठे, छोटे बच्चे बैठे, बिल्कुल भी ये मूव नहीं होता, मतलब कि उलझता नहीं है। इसके बाद ये है विंडो स्लाइडिंग डोर क्लीनर। इस डोर क्लीनर से काफ़ी अच्छे से आप अपने विंडो की साफ़ सफ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि कोने कोने की साफ़ सफ़ाई और बहुत सारी स्लाइडिंग होती है, उन सब की आप सफाई इससे ब्रश से कर सकते हैं। और ये है प्लास्टिक कपबोर्ड। इस कपबोर्ड में आप अपने कपड़ों को रख सकते हो, चीज़ों को रख सकते हो, ग्रॉसरी की चीज़ों को रख सकते हो स्टोर करने के लिए। तो ये भी प्लास्टिक में बना हुआ है, काफ़ी लाइट वेट है जिसे आप उठाने के बाद इसे कहीं भी रख सकते हो, अपने कमरे में, अपने लिविंग रूम में, कहीं भी कपड़ों को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम में आएगा। और ये है किचन यूटेंसिल्स रैक। ये 3 से 5 लेयर का भी आता है जिसमें आपको ड्रेनिंग प्लेट भी दे रखी है साथ में। तो अगर आप इसमें अपने बर्तन को रखते हो तो जितना भी पानी ड्रेन होता है ना वो आप बाहर प्लेट से ही निकाल सकते हैं, तो इससे आपको आसानी रहती है, पानी भी बाहर निकल आता है और सारे बर्तन भी एक साथ एक जगह पर रह जाते हैं। तो इसमें ना किचन में निकालने में आसानी रहेगी, आपको इसकी हेल्प काफ़ी लगेगी। और ये है मेटल में ही बना हुआ फ्रूट स्टोरेज ट्रे। इस ट्रे में आप अपने फ्रूट को अपनी टेबल पे सजा के रख सकते हैं, जैसे कि देखने में भी बहुत अच्छा लगा है। आप अपने गेस्ट के सामने भी इसमें फ्रूट्स वगैरह को स्टोर करके उनके सामने डेकोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मल्टी लेयर का बना हुआ फ्रिज स्टोरेज मिल जाएगा। ये एक तरीके की मेटल की बनी हुई रैक है जिसमें बहुत सारी जाली एंड स्टोरेज सामान रख सकते हैं आप, जैसे कि बॉटल्स हो गई, नैपकिन हो गए, पेपर्स हो गए, ग्राइंडर हो गए, इन सबको आप इसमें टांग भी सकते हो, रख भी सकते हो, कंटेनर वगैरह की सीसी भी आप रख सकते हो। और ये है ड्रेनिंग वाला टेबल वेयर बॉक्स। ये प्लास्टिक का बना हुआ बॉक्स है जिसमें आपको कैप भी दे रखी है बंद करने के लिए। तो आप अपने स्पून को, नाइफ को, इन तरह की चीज़ों को इसमें स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टील के स्पून हो गए, चॉपस्टिक हो गई, इन सब को। और ये है किचन स्टोरेज बॉक्स। ये बॉक्स होते हैं प्लास्टिक के बने हुए जिसे आप मैजिक स्टिकर के थ्रू अपने वॉल पे चिपकाने के बाद इसमें लहसुन, बहुत सारी ग्रीन सब्जी या फिर चिली वगैरह को इसमें स्टोर करके अपनी दीवार पर सामने ही टांग सकते हैं। आप चाहे तो आप इसे अपने टेबल पेयर पर भी रख सकते हैं और बाथरूम में एसेसरीज को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये है 4 टीयर का बना हुआ बास्केट। ये प्लास्टिक में बना हुआ बास्केट है जिसमें आपको चारों तरफ लगी हुई व्हील मिल जाएगी। तो बुक से लेकर के आप अपने खाने पीने की सामान, बच्चों के खिलौने, इन सब में स्टोर करके रख सकते हैं।
और अब मैं आपको सीजनिंग बॉक्स दिखा रही हूँ। ये 4 लेयर्स में बना हुआ सीजनिंग बॉक्स है जिसकी कैप भी आप बंद कर सकते हो। अलग अलग मसाले चारों लेयर्स में भर के अगर आप रख दोगे तो कुकिंग करने के टाइम पर आपको कंटेनर खोलने नहीं पड़ेंगे, आप डायरेक्ट इसी से स्पून से डाल सकते हो अपनी कढ़ाई में या फिर अपने आप कुकर वगैरह में। इसके बाद मैं आपको केबल मैनेजमेंट बॉक्स दिखा रही हूँ। ये भी प्लास्टिक का बना हुआ बॉक्स है, इसमें ना मल्टी लेयर्स बनी हुई हैं जिसमें आप अपने केबल्स को और जो स्विच बोर्ड होते हैं, स्विच वगैरह के जो केबल्स होते हैं या फिर चार्जर वगैरह पिन होती हैं, उन सबको आप मल्टी लेयर में अलग अलग करके भी रख सकते हैं। और ये है स्टोरेज जार कंटेनर, ये एयर टाइट जार कंटेनर होते हैं। इनका पूरा सेट आता है, 3 पीसेस का, 6 पीसेस का, 8 पीसेस का, आप जितने पीसेस में लेना चाहें आपको उतनी क्वांटिटी में और इतने अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि सबका प्राइस बहुत कम है। एक बार लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा आप लोग ना, ये आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। और बाकी ना इसमें आप पानी भर के रखो, चाहे कुछ भी भर के रखो, बिल्कुल भी छलकेगा नहीं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर 3 टीयर की बनी हुई वायर बास्केट दिखा रही हूँ। अगर लोग कहते हैं कि प्लास्टिक की मजबूत नहीं होती है तो वायर की भी ले सकते हैं, क्योंकि वायर की भी अमेज़ॉन पर आपको काफ़ी सस्ते रेट पर मिल जाएगी, वो भी व्हील लगी हुई, तो इसे भी आसानी से इसमें सामान स्टोर करने के बाद आप इसे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको मॉप विद डस्टर दिखा रही हूँ। तो ये भी प्लास्टिक का बना हुआ एक तरीके का मॉप एंड डस्टर है जिसमें आप अपने बिना झुके हुए कूड़ों को अपने डस्टर में ही निकाल सकते हो। इससे आपके घर की साफ़ सफाई भी बनी रहती है, बेड हो या सोफ़ा हो उसके नीचे भी आप साफ़ कर सकते हो, नीचे तक साफ़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता है। तो ये आपके बड़े काम में आएगा क्योंकि ये झुकने के लायक बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद मैं आपको सोप डिस्पेंसर दिखा देती हूँ। तो साबुन वगैरह रखने के लिए ना आपको डिस्पेंसर इतने अच्छे अच्छे मिल जाएंगे कि आप अपने दीवार पर ही इन्हें चिपका सकते हो मैजिक स्टिकर के थ्रू, और मैजिक स्टिकर इसमें लगा ही होता, आपको अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसमें आप 2 से 3 तरीके के साबुन को एक साथ ही स्टोर कर सकते वॉल पर। इसके अलावा मैं आपको पेन होल्डर दिखा रही हूँ, इसमें आप ब्रशेस रख सकते हैं, कॉस्मेटिक सामान रख सकते हैं, और पेंसिल वगैरह हो गई बच्चों के लिए, वो स्टडी करने के टाइम पर आप उनके डेस्क पे अगर रख देंगे ना तो सारी सामानें सामने रहती हैं, तो बच्चों को भी ज़्यादा आसानी रहती है निकालने के लिए। और ये है ड्रॉर स्टोरेज केस, ये बहुत ही बढ़िया लग्जरी टाइप में बना हुआ ड्रॉर स्टोरेज केस है जिसमें बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं, तो आप इसमें कपड़ों से लेकर के खाने पीने के सामान, बच्चों के बुक्स वगैरह, खाने पीने के सामान, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ही स्टोर करके कहीं भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको पेपर स्टोरेज बॉक्स दिखा रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया से बॉक्सेस होते हैं जिनका टूटने का बिल्कुल डर नहीं रहता, क्योंकि इनकी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है। इसमें आप अपने नैपकिन, पेपर रोल कोई भी लगा के कहीं भी लगा सकते हो, फ्रिज में, वॉल पर, कहीं भी चिपका सकते हो, क्योंकि इसमें भी मैजिक स्टिकर आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये है जैम स्क्रैपर। इस स्क्रैपर की हेल्प से आप अपनी छोटी बड़ी हर सीसी के जैम को, सॉसेस को, या फिर बची हुई किसी भी चीज़ को, घी को आराम से निकाल सकते हो बिना हाथ डाले हुए। और इसके बाद मैं आपको फिश बोन रिमूवर दिखा रही हूँ। फिश हेयर्स हो गए, बोन्स हो गई, या फिर और भी कोई चीज़ें अगर आपको निकालनी होती हैं आप निकाल सकते हो इसकी हेल्प से, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक तरीके का ब्लेड होता है। बाकी मुझे नहीं पता फ्रिज में क्या निकाला जाता है, बाकी आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सिलिकॉन के बने हुए फुनैल दिखा रही हूँ। ये काफ़ी बढ़िया फुनैल है, लॉन्ग लास्टिंग तक काम आएंगे, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसमें आप अपने ऑयल वगैरह को निकालने के लिए या फिर रिफाइंड के निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये है ऑयल फिलिंग बॉटल्स। ये प्लास्टिक की बनी हुई बॉटल्स होती हैं जिसमें आप स्क्विच करके कितना भी क्वान्टिटी में उसको निकाल सकते हो, उन चीज़ों को निकाल सकते हो। एकदम से नहीं गिरेगा, आप जितना स्क्विच करोगे उतना ही निकलेगा, उतनी ही क्वान्टिटी में आप इसमें निकाल सकते हो। तो इससे बिल्कुल डर नहीं रहता कि एकदम से गिर गया या ज़्यादा हो गया। तो ये सारी बॉटल्स आपको सेट में मिल जाएंगी, सिंगल भी मिल जाएगी, बाकी अच्छी रहेगी आपके लिए। और इसके बाद मैं आपको स्क्रब दिखा देती हूँ। स्पंज स्क्रब है जिससे आप अपने बर्तन से लेकर के गैस, लिंटर, वॉश बेसिन और सिंक वगैरह काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकते हो। इससे आप अपने टैप को साफ़ कर सकते हो और मिरर हो गया, इन सबको साफ़ कर सकते हो। तो एक ही चीज़ है, आप कई सारी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, मल्टी लेयर का बना हुआ है। चलो, अगर वीडियो पसंद है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में, बाय।